नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपने बिजनेस वारफेयर इस शब्द का नाम पहले सुना होगा कुछ लोगों ने, या कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। अब मैं परिप्रेक्ष्य समझा देता हूँ। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रशांत भूषण, जो कि जाने माने वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसे स्वीकार किया और 6 फरवरी को इसकी हियरिंग रखी है। पिछले 2-3 सालों से जो भी यूरोप की, अमेरिका की जो मीडिया है, भारत के बारे में उसके कवरेज को देखिए। आप न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, वाशिंगटन पोस्ट देखिए, बीबीसी देखिए, फॉक्स न्यूज़ देखिए, आप पन्ने पलटिए और भारत के बारे में वो क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं दुनिया को, ये गौर करने वाली बात है। वो और भारत के जो रिपोर्टर हैं उनके, वो कौन है? वाशिंगटन पोस्ट में राणा अयूब, न्यूयॉर्क टाइम्स में सुहासिनी राज, मुजीब मार्शल, बरखा दत्त, आतिश तासीर। बीबीसी में देखिए, वहाँ भी लेफ्ट इस्लामिक गठजोड़ आपको दिखाई देता है। बात दरअसल ये है कि ब्रिटेन और अमेरिका का बुद्धिजीवी तबका इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया है और 2037 तक ये 3री आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। और जो पीछे हुए हैं, भारत ने ब्रिटेन को सुपरसीड करते हुए ये 5वां स्थान हासिल किया है, ब्रिटेन अब 6ठे स्थान पर है, तो वहां का ये तबका इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पहले राजनीतिक तौर पे हमले हुए भारत के नेतृत्व पर, और वो आज से नहीं है, मनमोहन सिंह के समय से है। आपको याद होगा कि कुडनकुलम पावर, एटॉमिक पावर प्लांट था तमिलनाडु में, वहाँ विरोध हुआ। पी उदयन एक शख्स थे जिन्होंने इस विरोध का नेतृत्व किया। बाद में जांच में ये बात सामने आई कि ग्रीन पीस फाउंडेशन, जो कि अमेरिका का एनजीओ है, वो पूरे के पूरे आंदोलन को फंड कर रहा था। उससे पहले बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन को देख लीजिए, और हाल के दिनों में आपको मैं बताता हूँ, किसान आंदोलन के दौरान जियो के टावर जलाए गए, और वो क्यों? क्योंकि ठीक उसी वक्त चीन की कंपनी हुआवे अपना 5G भारत में लॉन्च करना चाहती थी, और रिलायंस भी लॉन्च करना चाहती थी। अभी की का समझिए, अडानी का जिस वक्त IPO आने वाला था, ठीक उसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। तो प्रधानमंत्री मोदी या मनमोहन सिंह, दोनों अक्सर ये कहते रहे हैं कि ये जो दौर है ये जंग का दौर नहीं है, मतलब कि सेनाएं आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ती, ये बिजनेस वारफेयर का दौर है, यानी सारी लड़ाई कॉमर्स और बिजनेस को लेकर है, और भारत के इसी कोर पे हमला कर रही है वेस्टर्न मीडिया। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहें, BBC की डॉक्यूमेंट्री आप ले लीजिए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, द फॉक्स, किसी का भी देख लीजिए, वो ऐसा बताना चाह रही है कि भारत में जैसे कुछ बेहतर हो ही नहीं रहा है। अब झारखंड पर आते हैं। झारखंड में आज सिर्फ एक बात का शोर है, 1932। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान आया है कि झारखंड में राज्यपाल की मनमर्जियां नहीं चलेगी। लेकिन हम बता देना चाहते हैं अपने विपक्षियों को कि ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है, ये झारखंड है, और ये झारखंड, और झारखंड में अभी जो सरकार है वर्तमान, यहां के मूलवासी आदिवासियों को ने चुन कर बैठाया है। यहां पर जो यहां की सरकार चाहेगी वही इस राज्य पे लागू होगा, गवर्नर जो चाहेगा वो नहीं होगा। उन्नीस सौ 1932 को लेकर इस बात की आशंका पहले से थी कि ये संवैधानिक और कानून की कसौटियों पे ये जो विधेयक लाया गया है वो खरा नहीं उतरता। कई बिंदु सरकार के सहयोगी दल में से भी कुछ लोगों ने उठाए थे, विपक्ष ने भी उठाया था, लेकिन चूंकि 1932 भावनात्मक मुद्दा है, इसलिए विधानसभा के अंदर इसका किसी ने विरोध नहीं किया। हकीकत ये है
कि झारखंड में जो लैंड सर्वे हुआ था, जो खतियान की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग दौर में हुआ था, अलग अलग इलाकों में। 1901 से शुरू हुआ और 1980-81 तक ये चला है, 1932 में भी हुआ, लेकिन कोई ये समझाने को तैयार नहीं है कि 1932 का ही खतियान क्यों लिया जाए। सीधे जो आप स्थानीय नीति बनाते हैं या नियोजन नीति बनाते हैं, उसमें एक लाइन ये क्यों नहीं लिख दिया जाता कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट, या जिसके पास कभी भी हुआ हो लैंड का सर्वे, उसका खतियान अगर आपके पास हो तो आप झारखंड के नागरिक हैं। और भी कई इसमें बारीकियां हैं जो कि अगले एक प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा मूल मकसद कहने का यह है कि पहले से इस बात का अंदाजा था कि हो सकता है कि ये कानून और संविधान की कसौटियों पर खरा न उतरे, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले इसे खारिज कर दिया था। लेकिन ये मामला कानूनी और संवैधानिक से ज्यादा राजनीतिक मामला है। कैबिनेट में पास हुआ, विधानसभा में पास हुआ, बाहर ढोल बजे, अबीर गुलाल उड़ा, यात्राएं हुई, पोस्टर लग गए। ये सिर्फ विधानसभा से पास हुआ और राज्य के मुख्यमंत्री हर जगह जाके ये करे कि हमने 1932 लाया, हमने 1932 लाया। जनता पूछी कहाँ है, कब लागू हुआ, सरकार का तो ये मत पूछो, बस लाया, इतना जानकारी रखो। और अगर आप स्थानीय नीति लाए हैं तो उसे नियोजन नीति से क्यों नहीं जोड़ा, सरकार बताए ना, हो सकता है कि हम गलत हो, क्यों नहीं जोड़ा गया उसे नियोजन नीति से, ये बताए। सिर्फ 1932 वो साल पे ही क्यों अटकी हुई है, ये बताए सरकार। और इस ये भावनात्मक मुद्दा कभी कभी तर्क की कसौटी पर भी कसना चाहिए। खैर, ये तो झारखंड की बात हो गई, बिहार में अब मरने मारने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी की ओर नहीं जाऊंगा। मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दरभंगा में जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें एक प्रस्ताव पारित किया है, और प्रस्ताव इसलिए, क्योंकि ऐसे बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, वो लिखित प्रस्ताव इसलिए पास हुआ कि ताकि नेताओं के मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। बीजेपी, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी आला कमान के निर्देश पर हुआ और जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े वो प्रस्ताव लेकर आए, तो एक डोर हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए क्लोज हो चुका है। और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल हो, उसके नेता ताबड़तोड़ नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं। मैं सुधाकर सिंह की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरे नेता की बात नहीं कर रहा, उदय नारायण चौधरी कभी नीतीश कुमार के साथ थे, वो कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश की सरकार लंगड़ी सरकार है, तेजस्वी यादव के मेहरबानियों पर टिकी हुई है। कोई सहयोगी दल अपने ही गठबंधन के नेता के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है क्या? लेकिन राजनीति में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर आरजेडी के हमले अब और बढ़ेंगे, नीतीश कुमार पर दबाव है कि आप हटिए, तेजस्वी को आने दीजिए, और सारा चक्रव्यूह उसी को लेकर रचा जा रहा है। तो अगले 3 से 4 महीने बिहार की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम। नीतीश रहेंगे नहीं रहेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार की फजीहत होती रहेगी और विपक्ष के साथ साथ अपने सहयोगी दलों की ओर से भी होती रहेगी, ये बात तो तय है। नमस्कार।